समय आएंगे, लेकिन गोल्डन का कोई समय निर्धारित नहीं, आते और जाते हैं। और एक वरदान और दिया, कौन? यदि कोई तीर्थ हाटम को गया है, पुण्य काम करके लौटा है, यदि वो गोल्डन के नीचे से निकल लेगा तो उसका आधा पुण्य तुमको मिल जाएगा। जब आधा पुण्य मिल जाएगा तो तुम हमेशा भोला भला करोगी। लेकिन यदि कूलर के नीचे आ करके उसने नरसिंह भगवान को याद कर लिया तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप जब पौना गिर जाओ तब भी कूलर के नीचे ना जाओ, कथा सुन के जाओ तब भी कूलर के नीचे से ना जाओ, क्योंकि आधा पुण्य तुम्हारा कूलर ले लेते। अब लोग कहते हैं कि पुण्य और पाप कट कैसे जाता है। लोग कहते हैं ये फोन हमारे पास है, वो फोन विजय चच्चू के पास, इसकी आवाज वहां कैसे पहुंच रही है, इसकी आवाज वहां कैसे पहुंच रही है। लोग कहते हैं विज्ञान से, तो क्या भगवान से बड़ा कोई विज्ञान है? जब इसकी आवाज इसमें ट्रांसलेट हो सकती, इसको इंसान ने बनाया, तो हमारा फोन और पाप दूसरे की क्यों नहीं हो सकता? इसको तो भगवान ने बनाया है। तो हमको आपको शिक्षा मिलती है कि जब कहीं तीर्थ दर्शन करने जाएं, तो जब रिटर्न में आए तो गोलर के नीचे यदि निकले तो भगवान नरसिंह का स्मरण जरूर कर लें, ताकि तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास रह जाए। रात्रि की वेला में आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर चर्चा कर स्थापन किया भगवान जी का प्राकट्य हुआ अवध में।